अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपके लाइक्स के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। आई एम सो ग्लैड कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, आप उन्हें इंजॉय करते हैं। अपना प्यार यूँ ही जताते रहिए और अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स किया करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर दें। अच्छा, आज का ब्लॉग भी बेसिकली कंटिन्यूशन है। जिस रोज़ हम फ्रेश फ्रूट मार्केट गए थे, जहाँ से हमने मज़े मज़े के पाकिस्तानी मैंगोज़ लिए और भी बहुत सारे फ्रूट्स लिए थे, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अच्छा सा डिनर किया जाए। और हमने उसके लिए ऑप्ट किया दुबई फेस्टिवल सिटी को। यहाँ हमारा जब भी आना होता है तो अक्सर हम आते हैं आईकिया स्टोर विज़िट करने, और उसके चक्कर में ये होता है कि फिर बाकी का मॉल देखने का कभी मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल भी आईकिया की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम मॉल में से दूसरी एंट्रेंस को ऑप्ट करेंगे जहाँ से हमें बाकी के स्टोर्स नज़र आएँ। क्योंकि तकरीबन हमारी मेमोरी ऐसी हो गई हुई थी कि हमें याद ही नहीं था कि इस मॉल में है क्या क्या। और इनफैक्ट हमें पता था कि जिस रेस्टोरेंट से हम डिनर करना चाह रहे हैं वो इसी मॉल में है, लेकिन मॉल में किस जगह है वो हमें मालूम ही नहीं चल रहा था। एनीवेज, काफ़ी ढूंढने के बाद जी हमें नैंडोज़ नज़र आ गया। और नैंडोज़ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया हुआ है कि एक साउथ अफ्रीकन कुजीन है जो हमें भी बहुत पसंद है, और हमने आज फिर नैंडोज़ खाने का ही फ़ैसला किया। अच्छा, इस मॉल की एक और ख़ास बात है, यहाँ पे होने वाला एक वाटर शो, और मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी सबसे पहले तो जी हमने पहले अच्छा जगह चूज़ की। व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ इट? फिगर। आर यू पुटिंग योर फिगर इन इट? व्हाट इज़ इट? दिस इज़ This is a pepper case. It's got pepper. ये वाला स्पराडा है, बड़ा साइज का आता है, स्पेशल फैमिली के लिए। इसके सब तीन साइड आते हैं, एक स्पराडा में तीन साइड आता है और दो बंदे खाते हैं। ये दो बंदे खाते हैं, दो बंदे। हरी अब हरी अब। स्लो 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 है ये का। जितनी देर में हमने बाहर वाटर शो को एंजॉय किया, उतनी देर में हमारा डिनर जी बिल्कुल प्रिपेयर हो गया था और हमारे वापस आते ही वो सर्व कर दिया गया। ये चीज़ी फ्राइज़ हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं,
और मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था एज़ ऑलवेज चिकन एस्पिटादा। खाना अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ऑलवेज बहुत ही डिलिशियस था और खाने के बाद हमारे में बिल्कुल भी गुंजाइश ना थी कि हम मॉल को मज़ीद एक्सप्लोर करते, इसलिए हमने की घर को वापसी। जी तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना नून डेली का शॉपिंग एक्सपीरियंस। नून से मैंने कई बार चीज़ें ऑर्डर की थी लेकिन नून डेली से ये फर्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर किया था। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस ऐप को इस्तेमाल करना बहुत आसान है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि मैंने जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी वो सब की सब अवेलेबल थी। अक्सर ये होता है ना कि हम कोई ऑनलाइन ऐप इस्तेमाल करते हैं, पहले इतना टाइम लगा के चीज़ें कार्ट में डालते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल थी और मुझ तक बहुत अच्छी पैकेजिंग में पहुँची। इनकी पैकेजिंग से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें थीं और एक और अच्छी चीज़ जो थी वो थी इनकी ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग होती है, जैसे मैंने वो सरप्राइज थी, इतने अच्छे तरीके से दूध की बॉटल इसमें पैक थी और जब मैंने इसे ओपन किया तो उस वक्त भी इट वॉज क्वाइट कोल्ड, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये था कि नो ह्यूमन इंटरेक्शन, वो बस आप बेल करके घर के बाहर छोड़ कर चले गए थे। What is this? Oh, we got another delivery from Noon. Alright, can you tell me what all we have? Let's take it inside. Let's take it in the kitchen. Can you help me please? Take it in the kitchen. I'll take it. You bring the other one. Noon से आया है। वही ना, टूटेगा नहीं ना इससे, सारा उन्होंने लेबल वगैरह लगा के सब भेजा। व्हाट इज दिस? ओके, टेक इट इन द किचन प्लीज। इज इट हैवी? No, it's not Papa. Don't touch. I got this. Roti? Yeah. Roti, bhai. Oh, yeah. This is not roti, this is atta. Atta. ग्रोसरी रिसीव मैंने की है दो जगह से है, एक है नून डेली और एक है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन से क्या आया है वो मैं आपको बाद में खोल कर दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं आपसे अपनी नून की ग्रोसरी जो है वो शेयर कर दी। फेवरेट ओमान बफ की, काफ़ी मुझे अच्छा लगा लाइक बैग्स में नीट एंड क्लीन वे में आपके घर में चीज़ें बहुत से डिलीवर हो जाती हैं। ये दूसरा, इसके अंदर जो है मेरी शान की कुछ चीज़ें हैं, ये मुझे स्पेशल ऑफर पे नज़र आया था ऑनलाइन, तो मैंने फिर ऑर्डर कर दिया। हनी मिक्स, फ्राइड फिश मसाला है। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ फिश, तो just for a trial, pulao biryani, something I like very much, or chicken tikka. वैसे तो मैं मसाला खुद तैयार कर लेती हूँ लेकिन अगर घर में ये मौजूद हो तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, ये मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी और पहले तो बहुत आसानी हो जाती थी लेकिन शायद अभी आउट ऑफ स्टॉक है या क्या है, ये मिल नहीं रहा था। तो दिस इज़ समथिंग दैट सूट्स माई स्किन टाइप, तो ये भी मुझे यहाँ पर मिल गया। ऑलराइट, अच्छा ये इस दफ़े मैंने फेशियल टिश्यूज ऑर्डर किए हैं, ये उनके अपने हैं, अब ये किस तरह के हैं ये तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी लग रही थी।
तो मुझे लगा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई. हाँ, छोटू मियाँ के लिए ट्रीट. होपफुली ही विल एंजॉय इट. नीट एंड क्लीन टोमेटोज. अच्छा, ये वाला बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था. मुझे लग रहा था शायद इसके अंदर वेजिटेबल्स होंगे, तो इसको भी खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है. दिस इज़ वेरी नाइस. अलिस्तामी के पराठा, ये मार्केट में शायद नहीं है या मेरी नज़र से पहले नहीं गुजरा कि मैंने इसे ट्राई के लिए ऑर्डर किया है. जी बस यही चीज़ थी अंदर, ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो. दिस इज़ अ वेरी नाइस पैकिंग. अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी अमेज़ॉन से क्या शॉपिंग है. एक ये सिंक कैरी मैंने मंगवाई है और आई होप ये इफ़ेक्टिव रहे. छोटू मियाँ के लिए और वैसे ही जन घर में यूज करने के लिए बाइक. और ये वो चीज़ है जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और अब हम इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा है. काफ़ी दिनों से स्लीव का इंतज़ार कर रही थी और ये स्लीव मुझे ओनली 17 दिरहम्स में मिली है. अमेज़ॉन बेसिक्स का ये है. खैर, लैपटॉप पे के उनको अंदर डाल के ही देखेंगे कि ये कैसा है, लेकिन वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है. स्लीव बहुत ही ज़बरदस्त है और लैपटॉप के बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज़ है और बहुत अच्छा लगा मुझे. अब आपने मुझे ये बताना है कि आपको मेरी आज की शेयरिंग कैसी लगी है. ये आपने कैसे बताना है? ऑब्वियसली बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन. जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा साथ में. और आपकी सपोर्ट का हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया. तो इसके साथ मैं यही कहूँगी कि छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहें. अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़.